Hi, be bold in what you stand for and careful what you fall for. Be bold in what you stand for and careful what you fall for. Today is 6th of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Our reference material would be this The Hindu, Thursday, August 6, 2020, Delhi edition, and Indian Express, again, Thursday, August 6, New Delhi edition. लेट अस बिगिन। आज हम बात करेंगे बिहार फ्लड पे, वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट। इसके हम रीजंस जानेंगे, ज्योग्राफी क्या है, एंड विल ऑल्सो ट्राई टू आंसर वन क्वेश्चन। सेकेंड इज अबाउट महाराष्ट्र डाउनपोर कॉन्टिन्यूज, रेड अलर्ट अभी इशू हुआ है। यहाँ हम महाराष्ट्र मुंबई में जो फ्लडिंग होती है उसके रीजंस एंड देन दिस वार्निंग ग्रीन और ऑरेंज एंड रेड, विल गेट टू नो अबाउट दिस। थर्ड इज एडिटोरियल IPL डिलेड स्टार्ट। यहाँ ज़रूरी है कि वायरस रिमेन्स अ थ्रेट, दैट इज़ वाई पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स ओवरराइड नहीं होने चाहिए। दिस इज़ अबाउट MG नरेगा हेल्प, अ केस फॉर एक्सटेंशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम, बट ये कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, टेम्पररी रिलीफ है, वी नीड टू डू मोर। फिफ्थ इज़ अबाउट द अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम। यहाँ हम सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। देन सिक्स्थ इज हाउ टू पे फॉर द स्टिमुलस। अभी इकोनॉमिस्ट में डिबेट चल रहा है कि डेट वर्सेस मनी फाइनेंसिंग, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का एक आर्टिकल देखा था, अब ये बता रहे हैं कि मनी फाइनेंसिंग भी यहाँ पे ज़रूरी है, हम इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। इसमें कुछ इन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड मनी फाइनेंसिंग से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, दीज आर वेरी गुड। सेवेंथ इज अबाउट GI टैग फॉर बासमती। GI टैग हमारा फेवरेट है, अभी हम आज बात करेंगे गोल्डन ग्रेन और इसमें मध्य प्रदेश को GI टैग देने से पंजाब क्यों मना कर रहा है, विल गेट टू नो। एट्थ इज अबाउट दिस बेरूत एक्सीडेंट। देन नाइन्थ इज अबाउट R&D पॉलिसी टू बोल्स्टर ड्रग डिस्कवरी। ये इंडिया नई पॉलिसी अभी लाने का प्लान कर रही है ताकि ये एक्टिव फार्माक्यूटिकल इन्ग्रेडियंट और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इस डायरेक्शन में हम वर्क कर पाए। टेंथ इज अबाउट सर्विस सेक्टर एक्टिविटी श्रिंक हुई है फॉर 5th मंथ इन अ रो, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन, रिकवरी में टाइम लगेगा। ये खेल रत्न है, आज हम खेल रत्न अवार्ड्स के बारे में जानेंगे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये है पोक्काली राइस, ये यूजुअली केरला में मिलता है, सॉल्ट रेजिस्टेंट है, बट अब इसको ट्रांसप्लांट करने की बात चल रही है सुंदरबन में, और उसका रीज़न क्या है, साइक्लोन अम्फन। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, ये डिफरेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 2017 अपडेट। देन वी विल आंसर दिस क्विज, ये यस्टरडे के क्विज के आंसर्स हैं और ये आज का क्विज है अगेन ऑन दिस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। देन ये वोकेबुलरी है और ये है आज की ग्रामर। टुडे वी विल टॉक अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। So today we are going to talk about all these important articles in next around 35 to 40 minutes. Let us begin. First article है, that is about this Bihar flood. The Hindu first front page news है, कल राम टेम्पल अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था। कश्मीर 300 आर्टिकल 3670 एंड 35A एंड प्रोग्रेस की हमने बात किया, 1 ईयर में क्या डेवलपमेंट हुए हैं एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। Yesterday we talked about these articles. देन ये पेज नंबर 1 है, दिस इज पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में दिल्ली में कूल सरप्राइज, फ्रेश स्पेल ऑफ रेन ड्रेंच्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल्स। मॉनसून जो होता है वो भी हमने देखा है, वो ग्रेजुअली एडवांस होता है, पहले वो जून 1 में आता है केरला में, फिर धीरे धीरे ये आगे प्रोसीड करता है। ये होती है अरेबियन ब्रांच और ये होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आफ्टर जुलाई समथिंग में ये दिल्ली नॉर्दर्न पार्ट ये पूरे कवर हो जाते हैं, दोनों ब्रांच यहाँ पे मिक्स होती हैं। देन दिस इज पेज नंबर 3, सेफ्टी फर्स्ट। अभी 15th of August आ रहा है, 15th of August में रेड फोर्ट में फ्लैग होइस्टिंग होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 सारे सेफ्टी एंड दिस सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो होंगे। इस बार का हाईलाइट हमने डिस्कस किया था, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करने का प्लान है। देन दिस इज पेज नंबर 4, ये है बिहार फ्लड सिचुएशन वर्जन 66 लाख हिट, ओवरफ्लोइंग रिवर्स इनंडेट न्यू एरियाज इन द स्टेट। यहाँ पे एरियल सर्वे हुआ है, नाउ दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। ये एरियल सर्वे लुक सी, सब यहाँ पे फ्लड हो गया है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार में फ्लड सिचुएशन यहाँ पे वर्जन हो गई है, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, ग्रिम सिचुएशन। बिहार जो है ये 16.5% होता है इंडिया के फ्लड अफेक्टेड एरिया का, दिस इज़ अ बिग परसेंटेज, और करीब 22.1% इंडिया की फ्लड अफेक्टेड पॉपुलेशन बिहार से है। तो इस पे हमें एम्फेसाइज करना, सॉल्यूशंस फाइंड करना ज़रूरी है। नॉर्थ बिहार जो है ये वल्नरेबल है एटलीस्ट 5 मेजर फ्लड कॉजिंग रिवर्स का। ये स्पेशली मानसून में होता है, क्लॉक वर्क की तरह हर साल होने लग गया है। ये रिवर्स हैं महानंदा रिवर, कोशी रिवर, बागमती रिवर, बूढ़ी गंडक रिवर और गंडक। ये जो रिवर्स हैं ये क्लॉकवर्क की तरह हर साल मानसून के बाद यहाँ पे फ्लडिंग्स आ जाती हैं नॉर्थ बिहार में। नॉट ओनली नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार में भी ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये वल्नरेबल हैं, सोन रिवर, पुनपुन रिवर और फाल्गु रिवर में। तो ये फ्लडिंग काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गया है। जब फ्लड होता है तो लाइव स्टॉक डैमेज होता है, ह्यूमंस की जो लाइफ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी लॉसेस होते हैं। अब हम बात करें रीजंस की, तो जोग्राफी इज़ डेस्टिनी। जोग्राफी यहाँ की फ्लड को प्रमोट करती है। जोग्राफी इन द सेंस जैसे नेपाल है, नेपाल मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है नेपाल से, सडन रिलीज होता है वाटर का तो वो फ्लडिंग कर देता है। प्लस नेपाल मतलब हिमालयन माउंटेन, मतलब यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब सिल्ट बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पे, तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न। डीफॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इकोलॉजी में क्लास 11th एनसीईआरटी में हमने पढ़ा जो फॉरेस्ट की रूट्स होती हैं ये सॉइल इरोजन को स्टॉप करती है, मतलब सिल्ट लोड इंक्रीज़ नहीं होता अगर वहाँ पे प्रॉपर फॉरेस्ट है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण डिफॉरेस्टेशन हुआ और सिल्ट लोड इंक्रीज़ हो जाता है। तो रिवर ऐसे बह रही है, सामने सिल्ट हो गया और फिर ये एक ब्लॉकेज हुआ तो रिवर अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी और फ्लड वाटर फिर यहाँ पर ऐसे स्प्रेड हो जाता है। एक और आई वॉज रीडिंग सम अदर रीजन्स, तो एक थ्योरी है फरक्का बैराज का भी। फरक्का बैराज हमने बनाया है, तो फरक्का बैराज में ये पानी स्टोर्ड है। अगर ये पानी का अपस्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ता है तो हमें पता है रिवर जो पानी होता है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ऐसे स्लोप होता है तो उस डायरेक्शन में मूव करता है। जोग्राफी एनसीईआरटी, इंडियन फिजिकल जोग्राफी, वेरी गुड बुक, उसमें हमने पढ़ा यहाँ पे मालदा फॉल्ट है और ये ऐसे स्लोप होने के कारण मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब इस फरक्का बैराज में बिकॉज इसका लेवल बढ़ेगा तो ये जो स्लोप है, ये जो ग्रेडियंट है वो कम हो जाता है, तो रिवर यहाँ पे मीएंडरिंग करने लग जाती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द रिवर हिंडर करता है नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ द रिवर को, तो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न, ऑल्दो इसमें काउंटर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं बट दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न। देन वाटर कमीशन का एक रिपोर्ट है, उसमें एक ये थ्योरी भी दिया था कि बनाना प्लांटेशन बहुत ज़्यादा किया बैंक्स में, ये भी इट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। फरक्का का जो बैक वाटर है बट वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर भी तक ही बैक वाटर का इम्पैक्ट होना चाहिए, बट फ्लडिंग तो ऑल ओवर दिस रूट ऑफ गंगा हो रहा है, तो इसमें भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो सेडिमेंट्स प्राइमरी रीज़न हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्लड का होने का कारण। इस पूरे बैकड्रॉप में लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। बिहार फ्लड हैज़ बिकम एन एनुअल इवेंट। नेचुरल डिजास्टर्स हमने पढ़ा तो कुछ होती हैं जिसमें हमें टाइम नहीं मिलता प्रिपेयर करने का, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, सुनामी है, इन सब चीज़ों में हमें टाइम नहीं मिलता है, मॉडरेट टाइम मिलता है हमें, जैसे साइक्लोन में, जैसे ओडिशा ने कितना ब्यूटीफुली खुद को प्रिपेयर कर रखा है ओडिशा ने साइक्लोन के लिए, तो डैमेज मिनिमाइज होते हैं। बिहार ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? बिहार फ्लड हैज़ बिकम एन एनुअल इवेंट। हर साल पता है मानसून होगा, फ्लड आएगा, बट स्टिल नो प्रोग्रेस। डिस्कस इट, identify the challenges and suggest some solutions as well. Bihar flood has become an annual event. Discuss, identify the challenges and also suggest some solution. इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन में, तीनों पार्ट को एड्रेस करना है। Then second न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट महाराष्ट्र। जस्ट लाइक बिहार, महाराष्ट्र में भी मुंबई में फ्लडिंग हो जाती है, रेड अलर्ट इशू हुआ है सेवरल पार्ट ऑफ स्टेट्स में, डाउन पोर कॉन्टिन्यूज़ है। People in low-lying area evacuated after rivers swell. मुंबई का हमने 5 जुलाई में रीज़न देखे थे कि मुंबई में इतना ज़्यादा फ्लडिंग क्यों होता है, ये मुंबई है। मुंबई में सी लेवल 14 मीटर पे है विच इज़ वेरी लेस। इसकी जो लोकेशन है बेसिकली दिस इज़ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो रीज़न मुंबई में फ्लडिंग का होता है लैंडस्केप है, आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पे हमने ये क्वेश्चन भी, यू रॉट वेरी गुड आंसर, शॉर्ट नोट ऑन दिस मानसून प्रिपेयर्डनेस। नाउ आईएमडी जो होती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कलर कोडेड स्कीम्स ऐसे अलर्ट्स इशू करती है, ग्रीन टू रेड। ग्रीन का मतलब होता है नो वार्निंग, मतलब एवरीथिंग इज ओके। ये अथॉरिटीज रिलीज करती है जब फोरकास्ट इज ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन है, मतलब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ऑरेंज जब आता है इसका मतलब है अलर्ट है, आप एक्सपेक्टेड रहो, बी प्रिपेयर्ड रहो। फोरकास्ट है ड्यूरिंग एन ऑरेंज वार्निंग इज फॉर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, अभी हैवी टू वेरी हैवी है, यहाँ लाइट टू मॉडरेट है। फिर आता है रेड, रेड मतलब टेक एक्शन, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। फोरकास्ट फिर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है, तो यहाँ जो न्यूज़ है वो है रेड अलर्ट इशू हुआ है सेवरल पार्ट्स ऑफ स्टेट में, डाउनपोर कंटिन्यूस, सी ट्रेन्स ये ट्रैक्स पूरे सबमर्ज हो गए हैं, सिचुएशन इज नॉट लुकिंग गुड। मुंबई गोवा हाईवे में भी ब्रिजेस में फ्लडिंग हो रहा है। सो अगेन इस बैकड्रॉप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट, आई कीप ऑन शेयरिंग ट्विटर पे ये एनडीएमए की गाइडलाइंस, दे आर रियली गुड। एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन मॉनसून एंड फ्लड प्रिपेयर्डनेस, राइट अ शॉर्ट नोट, और इसमें आप ये केस एग्जाम्पल्स, टेम्पलेट्स ये सब भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इफ वी मूव फर्दर, दिस इज हाई कोर्ट ने नोट दिया है मैनग्रोव्स मेट्रो के लिए इतने मैनग्रोव्स रिमूव कर सकते हैं। मैनग्रोव इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव प्रिपेयर्ड इट, शॉर्ट नोट, ग्रेट डिटेल, मैनग्रोव इज इंपॉर्टेंट। ये देन एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट डिलेड स्टार्ट, बट बिफोर दैट एडिटोरियल ये इंडियन एक्सप्रेस है, राम जन्मभूमि, भूमि पूजन, जम्मू एंड कश्मीर। देन यहाँ पे इफ़ वी मूव फर्दर, सी चाइना बोल रहा है कि प्रपोजल टू स्टेप बैक फर्दर इज़ अनटेनेबल। इंडिया ने चाइना को कहा है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सिंगल वन वे से चाइना चेंज करना चाहता है, ऑल्टर करना चाहता है। अभी 5th राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे, स्टेटस को एंटी इंडिया डिमांड कर रहा है कि जो मार्च अप्रैल मई में सिचुएशन थी वो रीस्टोर हो। चाइना यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंकर्शन कर रहा है हमारे दिस एरिया में, तो प्रपोजल टू स्टेप बैक फर्दर इज अनटेनेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, इंडिया इस पर डिफेंड करेगा, विल नॉट सरेंडर। दिस इज पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 है, दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 5, दिस इज पेज नंबर 6 एंड दिस इज एडिटोरियल। एडिटोरियल में फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द हिंदू एडिटोरियल। दिस इज अबाउट डिलेड स्टार्ट, IPL remains a big draw, but it should not put public health at risk. Strong message है। Sports काफ़ी important होता है, IPL जैसे sports होते हैं इनका commercial value भी बहुत ज़्यादा है, source of income होता है, income generate होता है, revenue आता है, players को भी, sports person, this is an entire ecosystem, employment generate होता है। So we are not against this IPL. Problem is कि अभी override नहीं करना चाहिए public health concerns को। कमर्शियल हेफ्ट है यहाँ पे, एनुअल थ्रिल भी है। मीनवाइल एक और न्यूज़ डेवलपमेंट था कि जैसे वीवो है, वीवो, वन प्लस, देन दिस ओप्पो, दीज आर ऑल चाइनीज़ कंपनीज, इनकी जो स्पॉन्सरशिप है उन्होंने अभी यहाँ से पुल बैक किया था बिकॉज ऑफ दिस चाइना के साथ जो फेस ऑफ हो रहा है, तो वीवो स्पॉन्सरशिप इज़ नो मोर। इंडिया इज स्टिल ग्रैपलिंग विद कोरोना वायरस, तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये IPL कंडक्ट कराने की बात है सेप्टेम्बर 19 टू नवम्बर 10। जो वर्ल्ड T20 है वो भी कैंसिल हो गया है, तो सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल है जो मिल जाना चाहिए। ये जो कॉमर्स है ये एक हेडेक है टू बी डेल्ट विद। बिगर माइग्रेन जो है वो है कि कंडक्टिंग टूर्नामेंट इन बायोसिक्योर बबल एट दुबई, अबू धाबी एंड शारजाह में। यहाँ हमें प्लेयर्स का सेफ्टी एंड दिस कोविड-19 इन सब के अरेंजमेंट का स्पेशल केयर करना पड़ेगा। वायरस रिमेन्स अ थ्रेट एंड द थ्रस्ट फॉर प्रॉफिट शुड नॉट ओवरराइड public health concerns, strong message, thrust for profit should not override public health concerns. Then this is the second editorial. Second editorial है Indian Express with MG Narega help. MG Narega is again very very important article, important thing. MG Narega important है because ये हमने अभी पहले भी देखा था in July, MG Narega में बात था a case for extension का, एनुअल वर्क लिमिट को बढ़ाएं बिकॉज माइग्रेशन हुआ, सब गांव में गए अपने वर्कर्स फ्रॉम सिटी और गांव में जाके इनके पास वर्क नहीं है, तो दैट इज़ वाई जो 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है MG नरेगा में उसको एक्सटेंशन करने की बात थी, बिकॉज ये जो 100 डेज़ का स्ट्रेच होना चाहिए पूरे ओवर द ईयर में, ये फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ ईयर में ही, फाइनेंशियल ईयर में ही पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब ह्यूज डिमांड हुआ है MG नरेगा वर्क का। सो दैट इज़ वाई आर्ग्यूमेंट था कि डबल कर दें लिमिट, 200 डेज़ कर दें और इसमें जो पैसे मिलते हैं उसको भी थोड़ा एक्सपैंड करें। इसके प्रोविजंस भी होते हैं कि अगर नेचुरल डिज़ास्टर है तो ईजिली एक्सपैंडेड टू 150 डेज़ किया जा सकता है एंड कोविड-19 इज़ ऑल्सो अ डिज़ास्टर, दिस वी टॉक्ड अर्लियर। केस फॉर एक्सटेंशन, सीवियरिटी डिस्ट्रेस है, रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी के प्रॉस्पेक्ट्स डिम है। तो फॉर टाइम बीइंग ऑल्दो एमजी नरेगा का क्रिटिसिज्म होता है वर्क क्वालिटी इज नॉट दैट गुड एट्सेट्रा, बट ये एक्ट करता है एज एन इंश्योरेंस, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। रिवर्स माइग्रेशन को बैलेंस इट आउट करने की भी हमें देखना चाहिए। कंजम्पशन एड इकोनॉमिक रिकवरी, सो दीज थिंग्स वी टॉक्ड अर्लियर। नाउ इस आर्टिकल में फर्दर यहाँ पे लिखा है कि ये ज़रूरी है कि एमजी नरेगा तो डूइंग गुड, बट वी नीड टू डू मोर, वी नीड टू पुट मोर एफर्ट सो दैट ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हम इसको ओवरकम कर सकें। इट हैज़ हेल्प्ड मिटिगेट इंक्रीज्ड रूरल डिस्ट्रेस ड्यू टू कोविड। अब नेक्स्ट स्टेप करने का बात है गेटिंग पीपल बैक टू नॉर्मल लाइफ। एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रूरल मैनुअल वर्कर इज़ गुड। एमजी नरेगा गारंटी है 100 डेज वर्क का हर एडल्ट मेंबर को मिलेगा रूरल हाउस होल्ड में, बट यहाँ भी एक बात है कि स्टेट वाइज जो वेजेस हैं वो डिफर हो सकती है। जैसे 190 छत्तीसगढ़ में है, 309 हरियाणा में है। दिस इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट। एमजी नरेगा इज़ गुड बट दिस इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट, दिस इज़ अ टेम्पररी रिलीफ। यहाँ हमें ज़रूरत है कि हम एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करें एंड रीस्टोर करें नॉर्मेलसी में, बिकॉज एमजी नरेगा में यूजुअली क्या होता है, नॉन स्किल्ड मैनुअल वर्क होता है। बट ये देखने में आया कि इवन इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स वो भी इस वर्क में एनरोल कर रहे हैं। ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इज सो सीवियर, वाइड स्प्रेड फिनोमिनन हो रहा है ये। तो दैट इज़ वाई एमजी नरेगा पीडीएस इज गुड बट वी नीड टू डू मोर। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर कि वी नीड टू डू मोर। एमजी नरेगा इज गुड बट वी नीड टू डू मोर एफर्ट्स। देन दिस इज अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम। इसी के कंटिन्यूएशन में ये डिलेड स्टार्ट IPL, दिस इज अबाउट बैरूत बैटर्ड, और ये है अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम। यहाँ सोसाइटी रिलेटेड, इंडियन सोसाइटी कैसे वर्क करती है, कल्चरल इथोज एंड ऑल, माइग्रेंट्स में क्या उनको एप्रीहेंशंस होते हैं, फियर्स होते हैं, वरीज होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बात किया है। सोशोलॉजी एंगल से काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अर्बन माइग्रेंट्स एंड द रिचुअल टग ऑफ होम, जब भी ये ऐसा कुछ डिस्ट्रेस की कंडीशन आती है, इमिनेंट थ्रेट आता है लाइफ पे, तो फैमिली इज़ मच स्ट्रॉन्गर फॉर माइग्रेंट लेबर देन एन अर्बन ऑक्यूपेशन। हमने देखा था लोग अपने जॉब छोड़ के रिवर्स माइग्रेशन हो गया फैमिली टू देयर होम प्लेसेस, बिकॉज दिस का सिग्निफिकेंस ज़्यादा रहा अर्बन ऑक्यूपेशन से। सोशल कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, फैमिली की बॉन्डिंग होती है। यहाँ जेंडर गैप भी देखने को आया है। अक्सर जो माइग्रेशन होता है तो बिकॉज ऑफ मैरिजेस एंड ऑल जेंडर बेस्ड माइग्रेशन भी होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, इनका भी रिवर्स माइग्रेशन हुआ। अब अगर इसको अपने स्कोप ऑफ डिस्कशन में हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी है ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल का परसेंटेज ज़्यादा है क्लास 11th NCERT। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में सेफ्टी ऑफ वर्कर्स कम होता है, उनको गारंटी कम होता है, कुछ डिस्ट्रेस होता है, वो सब चीज़ों में उनको सेफगार्ड नहीं मिल पाता है इनफॉर्मल इकोनॉमी में। इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये लिखा है कि अगर ये मैंडेटेड है कि एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा सेवरेंस वेजेस और अदर बेनिफिट्स अगर वर्कर्स आर हायर्ड ऑन द रोल्स, रोल्स में वर्कर हैं, लिस्ट में हैं, कॉन्टीन्यूसली फॉर ओवर 248 डेज। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ने ये इंश्योर किया कि 248 डेज से ज़्यादा अगर वर्कर आपके एम्प्लॉयड हैं, आपके रोल पे है, तो आपको उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस एंड कंपनसेशन बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। इसका शॉर्टकट, इसका इन्होंने वर्क अराउंड क्या निकाला इंडस्ट्रीज़ ने कि 248 डेज कंप्लीट नहीं होने देते हैं, उसके पहले ही वो उनको थोड़ा ब्रेक देते हैं, वेजेस चेंज होता है, रोल चेंज होता है और फिर कंटिन्यू करते हैं। मतलब एक ब्रेक लगा देते हैं, 248 डेज से ज़्यादा कंटिन्यू एक्सटेंड नहीं करते और इसको बाईपास कर देते हैं। तो ये एक टेम्पररी जॉबलेस ट्रॉमेटिक सिचुएशन भी आती है। एक और प्रॉब्लम आती है, वो आती है ब्रूज्ड सेल्फ स्टीम की। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स देना है, EMI देना है, मॉर्गेजेस पे करने हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं। ये अनकॉमन नहीं है। दीज कंडीशंस में जो मिडिल क्लास पर्सन टू टर्न टू द फैमिली एज द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, ये सोशोलॉजी में फिर देखते हैं, दे टर्न टू देयर फैमिली। अक्सर हम देखते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना आई, गरीब कल्याण योजना में दे वर एक्सटेंसिव प्रोविजन टू टेक केयर ऑफ दिस गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फॉर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी देर आर सर्टेन डोल आउट्स एंड सर्टेन फैसिलिटीज़ की इनको बेल आउट करना है, बिजनेस एंड दिस सेक्टर शुड नॉट गेट अफेक्टेड। दिस रिच एंड दिस पुअर, इनके बीच में आता है ये मिडिल क्लास, ये अक्सर इग्नोर हो जाता है, एंड दे सफ़र द मोस्ट, और ये साइलेंटली ये सफ़र करते हैं। तो दिस ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड, दिस मिडिल क्लास पर्सन शुड ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड, और इनके भी चैलेंजेस अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। रिचुअल्स एंड कस्टम्स और जेंडर फैक्टर, दीज आर ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। तो इन दिस वे दे हैव, इट इज़ प्रेजेंटेड ओवर हियर कि वी नीड टू वर्क ऑन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, इसको एज सून एज पॉसिबल वॉर फुटिंग पे करेक्ट करना ज़रूरी है, इकोनॉमिक रिवाइवल। Then this is about secular fundamentalism, nuclear vulnerabilities, books not bullets, books not bullets. Then this is how to pay for the stimulus. This article will talk. Indian Express में editorial में this is about empathy primer, this is about enduring challenges, and यहाँ पे a long awaited resolution. Then this is the world news. Now यहाँ पे बात है हाउ टू पे फॉर द स्टिमुलस। यहाँ भी हमने बात किया कि ज़रूरी है इकोनॉमिक रिवाइवल का। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी, मार्केट में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे, पैसा आएगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। बट सरकार पैसा कहाँ से लेगी? सरकार के पास रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो हाउ टू पे फॉर द स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलस लाना है इसका फाइनेंस कहाँ से करें, इस बात पर डिबेट हो रही है। इकोनॉमिस्ट में दो सेक्शन है, जैसे एक सेक्शन में कल हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का आर्टिकल देखा था कपल ऑफ डेज बैक, बहुत अच्छा आर्टिकल था। उसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि हम क्यों ना डेट फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ें। डेट फाइनेंसिंग मतलब जैसे आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक, इससे हम सॉफ्ट लोन्स पैसा लें और फिर उससे हम ग्रोथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल पे उसको लगाएं। दूसरा तरीका होता है कि हम इसको मनी फाइनेंसिंग कर लें। तो इस बात पर भी यहाँ पर अब डिफरेंट सेक्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट, इज अगेन इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं ये सोनीपत में, इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि वाई नॉट वी आर डूइंग दिस डेट, दिस मनी फाइनेंसिंग, जब भी अर्बन माइग्रेंट्स, देन हाउ टू पे फॉर द स्टिमुलस। तो जो मनी फाइनेंसिंग होता है, मनी फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब हम प्रिंट कर दें नोट्स एंड लाइक दैट, मनी फाइनेंसिंग इज अ वायबल रूट टू टेक अस बैक टू प्री कोविड-19 लेवल्स ऑफ आउटपुट। पैसे हम यहाँ से भी ले सकते हैं। प्रेजेंट जो ग्रेटर पब्लिक स्पेंडिंग है, ये साइन को और नॉन है कि रिवाइवल में ज़रूरी है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये डायग्नोसिस हमने अच्छे से कर लिया। इकोनॉमिस्ट का काम भी होता है डायग्नोस करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन इज सिंपल कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उस बात पर अब डिबेट होगी। तो पहली थिंग तो सेटल्ड है कि हमें स्पेंडिंग को बढ़ाना है, पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करनी है गवर्नमेंट की। अब या तो डेट करें या फिर मनी फाइनेंसिंग करें। जब ग्रेटर पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो फिस्कल डेफिसिट आता है और एक्सपेंशन हैज़ टू बी फाइनेंस्ड, और इसके लिए हमें डेट या मनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेट टू द पब्लिक होए, इसका मतलब है बोरो फ्रॉम द आरबीआई टर्म्ड मनी फाइनेंसिंग, मतलब आपने आरबीआई से, आपने बोला इतना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, आरबीआई से आपने ले लिया। आरबीआई सेंट्रल बैंक होता है, तो ये एक काइंड ऑफ फाइनेंसिंग हो गई। बट इस फाइनेंसिंग के रिपरकशन होते हैं। इससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है अचानक से मार्केट में। तो ये एक तरीका है मनी फाइनेंसिंग का। इसमें अगर अपन देखें तो ऐसा बोला जाता है देयर एंड नो फ्री लंच। अगर आपने आरबीआई से भी पैसा ले लिया बट ये पैसा के भी रिपरकशंस होंगे, देयर एंड नो फ्री लंच। दूसरा तरीका होता है आप आरबीआई से नहीं लो, मनी को फाइनेंस नहीं करो, नए पैसा प्रिंट नहीं करो, उसके बजाय आप जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनसे आप पैसे ले लो। ये आइडिया भी एक पॉसिबल है। तो दिस इज़ वन कि आरबीआई से करके नया पैसा प्रिंट करें, मनी फाइनेंसिंग कर लें, इंक्रीज़ कर दें मनी सप्लाई। दूसरा होता है कि हम उधार लें। उधार कहाँ से लेंगे, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से। ये जो चीज़ होती है, इनके भी चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज इन दी एंड क्या है कि खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, आपने उधार लिया, ये उधार इन दी एंड आपको पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। So not only have the money to be repaid, they will have to be paid back in hard currency. Hard currency में कब पे बैक करना होगा, जब वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से आपने पैसा लिया। इस आर्टिकल में बेसिकली ये काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने आर्टिकल लिखा था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हम पैसा ले लें, और ये आरबीआई से मनी फाइनेंसिंग नहीं कराएं अपन। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि दे विल हैव टू बी पेड बैक, WBI और IMF का जो पैसा है। इसमें तीन इशूज़ हैं। पहला तो इशू है कंडीशनैलिटीज़ का, देयर एंड नो फ्री लंच, कंडीशनैलिटीज़ होंगी। देयर इज नो रीजन टू अपोज कंडीशनैलिटीज ऑन प्रिंसिपल, बट ये ऑब्वियस है कंडीशनैलिटीज विल कम अलॉन्ग विद द लोन, पैसा मिलेगा बट उसके साथ कंडीशनैलिटीज भी आएंगी। सेकेंड, लोन जो है इट इज़ बाउंड टू टेक सम टाइम, लोन तुरंत नहीं मिलता है, इसमें नेगोशिएशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी बेटर यूटिलाइज करें हम कोविड-19 में, तो दिस इज़ नॉट द टाइम। थर्ड है एक्सटर्नल जो डेट है वो एक नेशनल डेट बनेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हेल्ड बाय द कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर आर नॉट, तो अगर अपन बाहर से पैसा लेंगे तो वो एड अप हो जाएगा नेशनल डेट में। तो द होल आइडिया इज़ प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट कि हम बाहर से पैसा नहीं लें डेट फाइनेंसिंग IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन से, इसके बजाय अगर हम मनी फाइनेंसिंग में ही कॉन्सनट्रेट करें, तो अक्सर ये टैबू माना जाता है मनी फाइनेंसिंग, बिकॉज मनी फाइनेंसिंग से क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है मनी फाइनेंसिंग इज़ दैट इट इज़ इन्फ्लेशनरी। बट इसमें भी एक बात है, इन्फ्लेशनरी तब होता है जब फिस्कल एक्सपेंशन इज़ इन्फ्लेशनरी not is related more to the state of the economy than the medium of its financing। जब इन्फ्लेशन तब आता है जब स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में कॉजेज होते हैं, कॉजेज नहीं मीडियम ऑफ फाइनेंसिंग में नहीं, पैसा कहाँ से आया है इस पर डिपेंड नहीं करता है। इन्फ्लेशन मतलब कीमतों में बढ़ोतरी तब होती है जब स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में बॉटलनेक्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, और वो इंडिया में अभी है नहीं, बिकॉज इंडिया में अभी भी रिसोर्सेज हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आउटपुट अभी एक्सपेक्टेड इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो विदाउट इन्फ्लेशन हम इसको बाईपास कर देंगे अगर ज़्यादा मनी हम इस फाइनेंसिंग से इकोनॉमी में लगा दें। तो जो डर होता है मनी फाइनेंसिंग का कि मनी फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन आ जाएगा, वो वैलिड नहीं है अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पे। सो देयर इज़ नो रीजन केस फॉर डिनाइंग अवरसेल्व्स द ऑप्शन ऑफ मनी फाइनेंसिंग, तो बाहर से पैसे लेने के बजाय क्यों ना हम यहाँ मनी फाइनेंसिंग कर दें, नेशनल डेट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कंडीशनैलिटीज़ भी नहीं आएंगी और टाइम एंड एनर्जी भी बच जाएगा नेगोशिएशंस में। प्री कोविड-19 लेवल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट हम ऐसे करके इंक्रीज कर दें। सो दीज आर सर्टेन थ्योरीज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। द आइडिया इज दिस डेट वर्सेज मनी फाइनेंसिंग। देन दिस इज अबाउट GI टैग फॉर बासमती राइस, ये पेज नंबर 8 है। दिस इज़ अबाउट LG प्लांट, यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री स्टायरीन जो गैस लीक हुआ था और LG प्लांट, यहाँ पे इन्होंने एक्शंस लिया है, LG पॉलीमर विशाखापट्टनम। देन दिस इज़ अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस, स्ट्रेस ऑन यूनिटी, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एम्फेसाइज किया है स्ट्रेस ऑन यूनिटी, सोशल हार्मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। देन यहाँ पे LG जम्मू एंड कश्मीर रिजाइंस। देन दिस इज़ EWS कोटा, ये भी 10% कोटा था, इसको भी चैलेंज किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर्ड, जैसे इसकी न्यूज़ आगे बढ़ेगी विल हैव फॉलो अप। देन दिस इज़ अबाउट ब्रूज, ये अगेन हमने बात किया था, ब्रूज ट्राइब जो रीसेटलमेंट साइट ऑफर है, इसमें चैलेंजेस हो रहे हैं, चैलेंजेस हैं कि रिफ्यूजीज फ्रॉम मिजोरम टर्न डाउन प्रपोजल मेड बाय नॉन ब्रूज इन त्रिपुरा, कुछ लोगों को यहाँ पे ऑफ़र मिला था और कुछ लोगों को नॉन नेगोशिएशन हो गया था, तो जिनको नॉन नेगोशिएशन में रिवर्स हो गए थे वो होमलैंड में, वो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे यहाँ पे, दिस विल कवर अगेन। देन दिस इज़ मैक्सिमम ड्रेंचिंग। देन दिस इज़ MP शुड नॉट गेट GI टैग फॉर बासमती राइस, ये केस बोल रहे हैं पंजाब। गोल्डन ग्रेन GI टैग इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडिया एक्सपोर्ट्स बासमती टू द ट्यून ऑफ दिस मैनी करोड़, और GI टैग मिला है बासमती को तो इसका एक वैल्यू है, अगर मध्य प्रदेश को भी GI टैग देंगे तो आर्ग्यूमेंट ये है कि GI टैग का बासमती राइस का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। Why? As per Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 में Geographical Indication Act बताता है, इशू होता है एग्रीकल्चरल गुड्स को कि वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, मतलब वो अगर बासमती राइस है तो वो कहाँ का बासमती राइस है, GI टैग कहाँ का है, टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जोग्राफिकल लोकेशन एम्फेसाइज होती है, लोकेलिटी और एम्फेसाइज होती है, बिकॉज यू नो वॉट, क्योंकि जिस लोकेशन से वो आया है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब हम डिसिफर करते हैं, एसेंशियली एट्रीब्यूटेड टू इट्स जोग्राफिकल ओरिजिन। तो GI टैग के लिए काफ़ी पर्टिकुलर हो जाते हैं ऐसे स्टेट्स। अब ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि GI टैग बासमती को देंगे अपन, तो ट्रेडिशनली जो बासमती राइस होता है उसका अरोमा होता है, क्वालिटी होती है, टेस्ट ऑफ द ग्रेन होता है, और ये जो बासमती है ये इंडिजिनस है रीजन बिलो द फुटहिल ऑफ हिमालय, मतलब नॉर्थ का है ये, मध्य प्रदेश तो काफ़ी सेंटर में आता है, तो यहाँ अगर अपन जीआई टैग देंगे तो इस जीआई टैग ऑफ बासमती का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन का है, डिस्टिंक्ट रिकग्निशन अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दैट इज वाई दे आर पुटिंग दिस आर्ग्यूमेंट कि मध्य प्रदेश को अगर अपन जीआई टैग देंगे तो वो डाइल्यूशन ऑफ जीआई टैग हो जाएगा। दिस इज अगेन अक्सर स्टेट्स में ऐसा होता है। समटाइम्स बैक हमने एक न्यूज़ देखा था, ओडिशा वर्सेस वेस्ट बंगाल। आंसर ये किस बात पे, इन पे भी जीआई टैग में हुआ था, रसोगुल्ला। आई थिंक आंसर दिस क्वेश्चन, जीआई टैग में दे फॉट ओवर दिस। नाउ 23 जून को जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वहाँ हमने जीआई टैग का लिस्ट कंपाइलेशन किया था। हैव अ लुक, बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। एक सम ऑफ यू पोस्टेड वेरी गुड कंपाइलेशन स्टेट वाइज अलग अलग जगह से जीआई टैग, वेरी गुड कंपाइलेशन। हैव अ लुक, 23 जून के न्यूज़पेपर डिस्कशन में वी डिड दैट। सो दिस इज जीआई टैग फॉर बासमती। ये है आफ्टर द एपोकैलिप्स। ये बात है बेरूत का। यहाँ पे अगेन जो एक्सीडेंट हुआ है ये फिर से इस बात को एम्फेसाइज करता है कि हम जो हैज़ार्ड्स हैं उनको डिज़ास्टर्स में कन्वर्ट क्यों होने देते हैं। हैज़ार्ड प्लानिंग, डिज़ास्टर प्लानिंग जो होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, वाई इट इज़ नॉट एट प्लेस। इकोनॉमिक वूज अब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं लेबनान में। पुअर गवर्नेंस इज़ द थिंग फॉर 5-6 ईयर्स वो वहाँ पे ऐसे रखा था, बट दे डिड नो एक्शन। तो दिस इज़ ग्रॉस नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी एंड गवर्नेंस विच इज़ नीड टू बी एंश्योर्ड। देन ये है 9th R&D पॉलिसी टू बोल्स्टर ड्रग डिस्कवरी, मैन्युफैक्चर, मेडिकल डिवाइसेज। ये सी, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेज नॉट रीचिंग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज़ अ सीरियस कॉज ऑफ वरी, एवरीबडी इज़ नॉट हैविंग दिस। कल हमने देखा था मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप, ये नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। हर किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर ये नहीं है तो वो डिप्राइव्ड हैं स्कूल एजुकेशन एंड ऑल दीज प्रिपरेशन एंड ऑल से। सेकंड जो चीज़ होता है वो होता है स्टडी का एटमॉस्फियर। स्कूल्स में आप जाते हो, पीयर लर्निंग होती है, एक प्रॉपर लर्निंग हेल्दी एटमॉस्फियर मिलता है। मैनी अ टाइम्स यू गेट ऑल दीज कंटेंट, बट वो एटमॉस्फियर मिसिंग हो जाता है दिस ऑनलाइन क्लासेस में। कंटेंट, बुक्स, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट एट ऑल अ ट्रबल। NCERT, गो टू वेबसाइट, यू कैन गेट ऑल द बुक्स, बट द प्रॉब्लम इज दिस एटमॉस्फियर, जो स्कूल एटमॉस्फियर है, क्लास करिकुलम है, दैट इज मिसिंग। So 30% could access home-based learning program. This is a serious issue. Trains हमने रन किया था, अभी श्रमिक एक्सप्रेस भी and all, but ये losses में चल रही है। Shepherd in the sky. This article we have covered in great detail. जो drones होती हैं, drones की policy होती है, drones के usage होते हैं। Drones जो हैं ये next big thing बनने वाले हैं। Aviation में तो है, यहाँ पे supplies of goods में भी है। अभी locust attack में, this surveillance में, COVID-19 ड्रोन्स का एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था। UAV इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इस पर आंसर राइटिंग किया था समटाइम्स बैक। दिस इज़ रस्किन बॉन्ड का न्यू बुक है, सीजन्स इन द सन, गोइंग वंस ट्वाइस, कॉन्टिनम, एंड देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़, लेबनान, फ्रांस, श्रीलंका। श्रीलंका में COVID-19 के बैकड्रॉप के बाद भी अच्छा पोलिंग हुआ है, 71% पोलिंग विच इज़ एक्सेलेंट। नाउ दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। R&D पॉलिसी है टू बोल्स्टर ड्रग डिस्कवरी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ड्रग्स, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, साउथ एशिया स्पेशली। ड्रग डिस्कवरी में भी हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो ये मेडिकल डिवाइसेस होती है, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे PPE हो गया, या फिर वेंटिलेटर्स हो गए, ऑक्सीमीटर्स हो गए, देर आर सो मैनी मेडिकल डिवाइसेज, इसमें भी हमें सेल्फ रिलायंट लेना ज़रूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 3 मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने की बात है। ये सब चीज़ें तो होंगी, साथ ही साथ जो पर्सन आर इन्वॉल्व इन दिस, साइंटिस्ट हैं, उनको भी रिवॉर्ड्स देने के प्रोविज़न है। द आइडिया इज़ एनकरेज करें हम दिस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ रिलायंट इन दिस मेडिकल मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस बोथ। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, स्पेशली दिस API। API क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम चाइना पे, 70% से भी ज़्यादा। रॉ मटेरियल जो मेडिसिन का हम बुलाते हैं, एक्टिव फार्माक्यूटिकल इन्ग्रेडियंट। तो दिस इज़ अगेन अ स्टेप इन गुड डायरेक्शन। सर्विस सेक्टर एक्टिविटी श्रिंक्स फॉर 5th month इन अ रो। अगेन ये डेटा है IHS मार्केट, इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी, 34.2 आया है जुलाई का। अगर ये लेस देन 50 है मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, ग्रेटर देन 50 है मतलब एक्सपेंशन है। रिकवरी टेक में टाइम लग रहा है। COVID-19 ने इंड्यूस किए हैं रिस्ट्रिक्शंस, डिमांड कम है, फोर्स्ड कंपनीज ले ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टाफ नंबर्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो अगेन डिमांड कम है, तो ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। This is happening in India. दिस इज सेबी, दिस इज सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मिस्टर अजय त्यागी, एक्सटेंशन मिल गया है फॉर 18 months। दिस इज़ फेविपिराविर, ये जो मेडिसिन है इसमें भी कोविड-19 के फ्रंट इसमें इनको मैन्युफैक्चरिंग का फर्म को नोड मिला है। देन दिस इज सर्विस सेक्टर, यहाँ पे श्रिंक हुआ है जुलाई मंथ में भी। देन दिस इज स्पोर्ट्स, यूएस ओपन, ये होते हैं ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, नाम बताइए 4 ग्रैंड स्लैम्स कौन से हैं और सीरीज़ में बताइए सबसे पहले क्या होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा। ये जो यूएस ओपन होता है ये यूजुअली लास्ट होता है। सो दिस इज़ यूएस ओपन। यहाँ बात है खेल रत्न का। खेल रत्न ऐसा होता है, ये खेल रत्न है, खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये अवार्ड जो पॉपुलरली हैं स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं इन ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में। टोटल अभी 38 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। ये जो खेल रत्न होता है ना, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया है, टॉप मोस्ट ऑनर है। रिसेंटली अभी दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को ये अवार्ड मिला था। फर्स्ट विनर हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं बताइए, बजरंग पुनिया कौन सा स्पोर्ट है और दीपा मलिक कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ ये है देन पोक्काली राइस केरला टू सुंदरबन। ये पोक्काली राइस है, केरला का फेमस है। ये केरला का जो पोक्काली राइस है ये सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है, तो केरला में दिस इज़ गोइंग गुड। बट अब इसको सुंदरबन में भी लगाने का प्लान है। ऐसा क्यों? बिकॉज अभी साइक्लोन अम्फन आया था और उससे सॉल्ट वाटर इनकर्शन हुआ है पैडी फील्ड में। ये न्यूज़ भी हमने कवर किया था। अम्फन आने के कारण ये स्टॉर्म सर्ज हुआ, बहुत सारा पानी अंदर आ गया, काफ़ी सारे ट्रीज एंड दिस लॉसेज हुए। सॉल्ट जो है इनकर्शन हुआ मतलब सैलिनिटी बढ़ गई, सैलिनिटी बढ़ गई मतलब रेगुलर पैडी फील्ड इनफेक्टिव हो गए। तो अभी ये प्लान कर रहे हैं ये केरला का पोक्काली सीड को सुंदरबन में ट्रांसफ़र करने का। 80% ऑफ द राइस पैडी जो सुंदरबन में है वो सॉल्ट वाटर का प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, तो पोक्काली का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया जाएगा। सक्सेसफुल होता है तो ये फॉर्चून रहेगा। ये व्याटिला 11 लेटेस्ट वेराइटी है, करीब 110 दिन लगते हैं इसको तैयार होने में। सो दिस इज़ पोक्काली राइस, इसका भी GI टैग है, यहाँ पे केरला में GI टैग है इसका। ये है देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन बिफोर दैट लेट अस गो टू द इंडियन एक्सप्रेस। ये वर्ल्ड न्यूज़ है, लेबनान के बारे में लिखा है, इलेक्शन में हाई वोटर टर्नआउट है, दैट इज़ गुड। मेल वोटिंग फ्लोरिडा में इनकरेज कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प। देन दिस इज़ एक्सप्लेन सेक्शन। देन यहाँ पे है दिस इज़ अबाउट एक्सटेंशन मिला है, PMI सिग्नल कम हुए हैं, ग्लोबल रैली, मेटल गोल्ड 55,000 मार्क क्रॉस कर गया है। वाई? बिकॉज अनसर्टेनिटी है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है गोल्ड इंक्रीज़ होता है और डॉलर भी इंक्रीज़ हो जाता है। देन ये phase 3 ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। दिस सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये बात है। चाइना में चाइना के ऐप बैन है, कवर शाओमी और बाइडू भी कवर होंगे अब। दिस इज़ स्पोर्ट्स US ओपन। सो दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस एंड दिस इज़ द हिंदू। और अब देखते हैं इन्फोग्राफिक। इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दिस इज़ द क्वेश्चन। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, और आप अपने स्टेट की साइट्स के बारे में जानिए अच्छे से। स्टेट की साइट्स कौन सी हैं, ये 2017 की लिस्ट है, अपडेटेड नंबर भी आप अपडेट करिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। ये जैसे हिमाचल में है, ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ में देखें तो रेलवेज़ में माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया है, कालका शिमला है, दार्जिलिंग है और नीलगिरी है। ये माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। पूरा वेस्टर्न घाट भी हमने हेरिटेज साइट में रखा है। ये हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के, जैसलमेर, रणथंबोर, गागरोन, कुंभलगढ़ और चित्तौड़, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इफ़ यू मूव डाउनवर्ड्स तो ये हिमाचल है। देन उत्तराखंड में है नंदा देवी वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क है, ये दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। देन ये दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स है, हुमायूं टूम्ब है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इम्पॉर्टेंट। आगरा फोर्ट और ताजमहल भी है और ये फतेहपुर सीकरी भी है। देन यहाँ पे बिहार में नालंदा इज़ इम्पॉर्टेंट और बोध गया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है और ये रेलवेज़ हैं। ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में और ये है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इन असम। देन ये वेस्ट बंगाल में ये सुंदरबंस नेशनल पार्क भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये है सन टेम्पल उड़ीसा के। देन साउथ में हम मूव करें तो दिस इज़ महाबलीपुरम, अगेन इम्पॉर्टेंट, तमिलनाडु। और ये चोला टेम्पल भी है तमिलनाडु में। केरला में ये तमिलनाडु, दिस रेलवेज। देन ये गोवा में है, गोवा में चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, दीज आर ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हम्पी है, ये पट्टादकल है। देन महाराष्ट्र में ये एलिफेंटा केव्स हैं, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यहाँ पर है। ये एलोरा केव्स हैं, ये अजंता, ये दोनों फेवरेट है यूपीएससी का, अजंता केव्स और एलोरा केव्स। टू मेनी क्वेश्चंस, अजंता एंड एलोरा। ये चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है गुजरात में, ये हिस्टोरिक सिटी है अहमदाबाद की। ये रान की वाव है गुजरात में। मध्य प्रदेश में देखें तो ये हैं सांची स्तूपा, ये भी फेवरेट है बुद्धिज़्म। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर हैं। ये रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका का है। एनसीईआरटी हैव स्टार्टेड, आज से वीडियोस आई विल ब्रिंग एनसीईआरटी दिस, उसमें हम ये आज पढ़ेंगे रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका का एंड सीसीआरटी। आई वुड ट्राई टू कम्प्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। देन दिस इज अजंता केव्स, चंपानेर पावागढ़ ये है। देन रान की वाव ये है, जंतर मंतर, ये केवला देव है राजस्थान में, ये फतेहपुर आगरा, एंड दिस इज कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ चंडीगढ़ में। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ दीज सेट दीज साइट्स। ये सारी हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यू शुड हैव सर्टेन आइडिया ऑफ ऑल दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन कि ये होती क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और आपके स्टेट में कौन सी साइट्स हैं। देन ये क्विज है। क्विज में जो कल का क्विज है उसमें डंकन पैसेज था फर्स्ट क्वेश्चन। डंकन पैसेज है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, तो द आंसर इज डी। ये है चिल्का लगून, ये लार्जेस्ट लगून है इंडिया में। ये चिल्का ब्रैकिश वाटर है, पूरी गंजम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। ये दया रिवर के माउथ में है, फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। रेगुर का मतलब होता है ये ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल होती है कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। पानी आता है तो बहुत दलदल टाइप हो जाती है, ये मॉइस्चर रिटेंशन अच्छा है, और जब पानी एवोपरेट होता है तो इसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं। ये है नागपुर एंड कोलकाता, यहाँ पे सन मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड होगा ओनली वंस अ ईयर। लोकेशन ये जो हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ दिस कैंसर एंड कैप्रिकॉन सन, इनके बीच में ऐसे एपेरेंट मूवमेंट होता है, और ये इक्वेटर है उत्तरायण दक्षिणायन, और इसी के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे ओवरहेड वंस अ ईयर होगा। देन नागालैंड असम एंड मिजोरम, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो द स्टेट्स, बाउंड्री किससे शेयर हो रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एंड दिस मेघालय, और ये यहाँ पे सिक्किम भी है। तो दिस ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो क्विज़ है वो है एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड। बायोटिक इंटरेक्शन क्या होते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ वन स्पीशीज एंड नो इफेक्ट ऑन अदर स्पीशीज। तो हम देखते हैं ना बहुत सारे कमेंसलिज्म होता है, देन दिस जब दोनों को फ़ायदा हो रहा है, देन कंपटीशन हो रहा है, प्रिडेशन हो रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या अमेंसलिज्म है। तो इस केस में व्हाट इज़ द राइट आंसर? वन स्पीशीज़ का लॉस है, नो इफेक्ट ऑन अदर स्पीशीज़, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इसमें आप बताइए फोटोकेमिकल स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग, स्मॉग बन रहा है, ये क्या होता है? दिस 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 करेक्ट आंसर। देन दिस इज़ द थर्ड वन, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इज द एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? आंसर दिस क्वेश्चन, एंडेमिक स्पीशीज़। ये बिश्केक डिक्लेरेशन है। बिश्केक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? क्या पांडा, लेपर्ड, टर्टल या फिर वेल्स एंड डॉल्फिन? ये है नील कुरिंज, ये ब्लॉसम होता है वंस इन 12 ईयर। ये कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट, हिमालय घाट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आंसर दिस क्वेश्चन। वोकेबुलरी में आज वर्ड्स हैं। पहला है बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ाना, बोल्स्टर करना सेल्फ बिलीफ को, सो दैट इज़ दिस बोल्स्टर। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब ये भी हो सकता है जैसे यूरोप का कंटिंजेंट ने विजिट किया इस एरिया को, वो हो गया प्रतिनिधि दल, पार्लियामेंट्री कंटिंजेंट, या फिर निर्भर होना। इवेंट इज कंटिंजेंट ऑन समथिंग, द डील इज कंटिंजेंट ऑन सेवरल फैक्टर, तो ये होता है कंटिंजेंट। देन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब हम जैसे स्पेक्ट्रम एनालिसिस होता है, वाइड रेंज है, वहाँ पे सारी चीज़ें हो गया है वर्णक्रम में, विस्तृत श्रेणी में, दैट इज कॉल्ड दिस स्पेक्ट्रम। डिदर, डिदर का मतलब होता है कि वो बहुत दुविधा में है, दुविधाग्रस्त है, इनडिसाइसिव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस डिदर। माइलस्टोन मतलब होता है ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस माइलस्टोन। मील का पत्थर बना है वो माइलस्टोन। माइलस्टोन और कॉर्नर स्टोन में क्या डिफरेंस होता है बताइए? ये माइलस्टोन है, एक और वर्ड होता है कॉर्नर स्टोन, व्हाट इज द डिफरेंस? ग्रामर में आज हम बात करते हैं पास्ट, मतलब वो पहले हो चुकी है इवेंट, और वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब भविष्य में कुछ कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, भविष्य नहीं, इतिहास में कुछ पहले में, पास्ट में कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है। इसका जो फॉर्म होता है यहाँ पे हम सब्जेक्ट रहता है, और पास्ट सिंपल होता है, यहाँ पे अपन वॉज अ वर यूज़ करेंगे और उसके साथ अपन आईएनजी लगाएंगे। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंसेज आते हैं हम आईएनजी लगाते हैं, तो दिस वॉज वर एंड दिस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, दे वर ट्रैवलिंग टू स्वीडन। तो इसकी ये टाइमलाइन है, पास्ट मतलब पहले हो चुका है, आज से पहले, और वहाँ पे कुछ कॉन्टिन्यूएशन दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन गोइंग प्रोसेस है पास्ट एक्शन की, लाइक जब ये हुआ आई वॉज ईटिंग ग्रेप्स। इंटरप्टेड ऑन गोइंग पास्ट एक्शन में, लाइक आई वॉज ईटिंग ग्रेप्स व्हेन शी अराइव्ड, आई वॉज राइटिंग व्हेन शी वॉज डिक्टेटिंग, सो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। ऑन गोइंग पास्ट एक्शन दिखाता है, ये बताता है इंटरप्टेड प्रोसेस को, डिक्टेशन को, तो सी दिस इज ऑनगोइंग और ये पास्ट में हुआ है, सो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये ग्रामर है, ये वोकेबुलरी है, ये आज के क्विज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये यस्टरडेज क्विज आंसर। ये आज हमने देखा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिग्निफिकेंस और स्टेट का साइट्स हमें बनानी है। ये है पोक्काली राइस केरला सुंदरबन, खेल रत्न अवार्ड्स। दिस इज अबाउट सर्विस सेक्टर में भी श्रिंक हो रहा है, R&D पॉलिसी फॉर ड्रग डिस्कवरी और मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेज। क्रॉस नेग्लिजेंस इंपॉर्टेंट है कि हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में एम्फेसाइज करें, उसको अप टू डेट रखें। GI टैग फॉर बासमती है, मनी फाइनेंसिंग है। 23 जून का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से वहाँ पे कमेंट सेक्शन में GI टैग का एक्सेलेंट कंपाइलेशन है स्टेट वाइज। देन दिस इज मनी फाइनेंसिंग, डेट वर्सेज मनी फाइनेंसिंग, अर्बन माइग्रेंट के इशूज़ हैं, एंड ये है MG नरेगा हेल्प, IPL डिलेड स्टार्ट। कमर्शियल इज इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ केयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये है महाराष्ट्र, तो ये है शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, NDMA गाइडलाइंस, मानसून एंड फ्लड प्रिपरेशन। एंड इफ यू आर फ्रॉम बिहार देन डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बिहार फ्लड हैज बिकम एन एनुअल इवेंट, डिस्कस, आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, सजेस्ट सम सॉल्यूशंस एज वेल। सो दिस इज 6th of August 2020। Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.